वीडियो अपलोड करने के लिए एक वाईफाई मिला है, वहीं पे जा रहा हूँ वीडियो अगर अपलोड करूँगा। टिफिन पूरा गिर गया गाइस, अब क्या करूँ। ऐसा था जींस मेरा, मैं ये फटे फुटे जींस नहीं पहनता, लेकिन कितना सारा फट गया, इसलिए बच गया। अगर ये जींस नहीं रहता था ना गाइस तो पता नहीं क्या हाल होता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी मैं ड्यूटी के लिए निकल चुका हूँ और रेडी हो चुका हूँ फुल्ली, और देखिए अभी टिफिन भी मिल चुका है। बस अभी मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ छत्रपति चौक के तरफ, आज थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ क्योंकि सुमित भाई यहाँ पर नया ड्यूटी के लिए लगा है, तो यहाँ से अभी वॉक करते करते जा रहा हूँ। सुमित जहाँ पर काम करता है ना वहाँ पर जा रहा हूँ। और गाइज हमें एक नया जरिया मिला है वीडियो अपलोड करने के लिए, एक वाईफाई मिला है, वहीं पर जा रहा हूँ वीडियो अगर अपलोड करूँगा। मैं अभी ये कीचड़ के ऊपर स्लिप होके गिर गया और मेरा पूरा टिफिन गिर गया गाइस, जो भी खाना मिला था पूरा गिर गया, और मेरा ये घुटने में भी लग गया। यहाँ पर देखिए ये जींस भी फट गया, घुटने में भी लग गया। व्लॉग बनाते बनाते जा रहा था लेकिन ये थोड़ा सा कीचड़ आ गया, यहाँ पर मेरा पैर फिसल गया, लेकिन मैं बैलेंस करते करते फिर से पूरा गिर गया। थोड़ा सा हाथ में वगैरह भी नहीं लगा, लेकिन ये टिफिन पूरा गिर गया गाइस, अब क्या करूं। टिफिन मैंने फिर से अभी पैक कर दिया, वहाँ पर गिरा था मैं, यहीं पर अभी गिरा था। जो चावल वगैरह गिरा था वो मैंने साइड में फेंक दिया हूँ, बाकी अभी जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन पे। लेकिन मुझे अभी जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, पूरा दिमाग ख़राब हो गया, मूड ऑफ हो गया पूरा गाइस, अब क्या बोलूँ। वीडियो अपलोड करने जा रहा था अच्छे तरीके से, तो वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया। अभी देखता हूँ क्या करूँगा, ड्यूटी जाऊँगा तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। आज मैं ड्यूटी को छुट्टी मारूँगा। फ़िलहाल मैं अभी ये खम्भे के नीचे बैठा हूँ और यहाँ पर लगी है गाइस, देखिए मुझे ये जींस, देखिए ऐसा था जींस मेरा, मैं ये फटे फुटे जींस नहीं पहनता, लेकिन कितना सारा फट गया, इसलिए बच गया। बस थोड़ा सा ही यहाँ पर स्क्रैच लगा है ये, अगर ये जींस नहीं रहता था ना गाइस तो पता नहीं क्या हाल होता था। ये यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, ये समझ में नहीं आ रहा, ये लगा तो बस इतना सा ही है। अब पैंट के अंदर से कितना लगा वो देखना पड़ेगा रूम पे जाने के बाद, लेकिन ऊपर से तो इतना सा लगा है, अंदर से शायद से और थोड़ा सा लगा है, देखना पड़ेगा रूम में जाने के बाद। ये देखिए इतना सारा पैंट फट गया, और मेरा डब्बा तो पूरा ही चावल गिर गया था आप लोगों ने जैसे देखे हो। और एक मेन बात गाइस देखिए, मैं जब व्लॉग करते करते गिरा ना अभी, तो ये मेरा माइक देखिए साइड से घस गया, क्योंकि मैं मोबाइल सहित गिरा ना नीचे, मोबाइल ज़मीन पे घस गया। लेकिन हर बार ये माइक को ही लगता है, ये माइक देखिए साइड से घस गया है। अच्छा हुआ कि ये माइक ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो इसको बनाने के लिए फिर से चंद्रपुर जाना पड़ता था। सब कुछ अभी फाइनल हो गया है, मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी फ़ोन करके बोल दिया हूँ, उन्होंने बोले कि ठीक है आज एक दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उनको फ़ोटो भी भेज दिया, मेरा ये जींस वगैरह फट गया, थोड़ा सा स्क्रैच आया, डब्बा गिर गया, वो सबका फ़ोटो भेज दिया। वो खुद फिर बाद में पूछ रहे थे कि मुझे ज़्यादा तो नहीं लगा, मुझे आज के दिन रेस्ट करने के लिए बोले, एक दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं बोले। तो पापा को भी बोल दिया फ़ोन करके कि आज मैं ड्यूटी नहीं जाने वाला हूँ, तो पापा भी बोले ठीक है आज के दिन मत जा ड्यूटी में। अब क्या करूँ गाइस, डब्बा गिर गया ना, जैसे आप लोगों को बताया था कि कल के दिन भी मैं रात को टिफ़िन नहीं खाया, पूरी रात मैं भूखा था, और आज दोपहर में 2 बजे टिफ़िन आया तो मैं 2 बजे टिफ़िन खाया, और अभी रात में फिर से डब्बा गिर गया। अगर मैं ड्यूटी चले जाता था तो फिर मुझे आज भी भूखा रहना पड़ता था। अच्छा हुआ कि आज मैं ड्यूटी नहीं गया, नहीं तो फिर से तबीयत ख़राब हो जाती थी। और बस अभी मैं जा रहा हूँ रूम के तरफ, यहीं पर सामने में गिरा था गाइस, वो उधर फ्रंट में मैं दिखाता हूँ कहाँ पर गिरा था। यहाँ नहीं, ये बस के हाँ पीछे गिरा था, वो पीछे में वहाँ गिरा था, दिखाता हूँ अभी रुको। ये देखिए गाइस यहाँ पर गिरा था, ये सब्जी गिरी हुई है और ये चावल गिरा हुआ है, यहाँ पर गिरा, और बाकी चावल मैंने उठा के साइड में फेंक दिया था। और ये जो कीचड़ है ना, इसी कीचड़ को फिसल के मैं ऐसा गिरा यहाँ पे, और मोबाइल मैं यहाँ से ऐसा आ रहा था और ऐसा जाते वक्त ये कीचड़ में फिसल के गिरा, और मोबाइल मेरा यहाँ पर गिरा, मैं मोबाइल के ऊपर मेरा हाथ था। अच्छा हुआ मेरा माइक फूटा नहीं, तो यहीं पे गिरा था मैं। अगर मेरा माइक फूट जाता था ना गाइस, तो फिर अब
बहुत दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं सच में बहुत सीरियस हूँ अभी मैं व्लॉगिंग को लेके, मतलब ड्यूटी से भी बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ मैं अभी व्लॉगिंग को लेके, क्योंकि धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और पूरा अभी मैं जोर लगा रहा हूँ व्लॉगिंग करने में। तो अभी बस अपन ने अभी एक जगह से वीडियो अपलोड करके आ गए, अभी रूम के तरफ जा रहा हूँ, रूम में जाके साफ सफाई वगैरह करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। A few moments later. जस्ट मैं अभी आया हूँ रूम पे। रूम पे आने के बाद बाहर से मैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके आ गया था, लेकिन गाइस रूम पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब अभी लग रहा है, हल्का सा बुखार जैसा लग रहा है। लेकिन मैंने सुबह मेडिसिन लिया था ना, मेडिसिन मैंने तुरंत खा लिया, अभी जस्ट लेटा हूँ। और रूम पे सुमित भाई आके, जो सो गया ड्यूटी से आके, उसकी नींद नहीं हुई थी बराबर, तो आके वो तुरंत में सो गया। वो बाहर से ही खाना खा के आया था। आज तो ड्यूटी में नहीं गया, लेकिन अभी अपन जो भी व्लॉग वगैरह शूट किए हैं उसको एडिटिंग वगैरह करते हैं पूरी रात। रात में मैं आज सोऊंगा नहीं, क्योंकि आज अगर मैं सो गया तो कल सुबह मैं सो नहीं पाऊंगा। कल सुबह अगर सो नहीं पाया तो फिर रात में मैं ड्यूटी में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी। तो अभी तो जाग के रहूँगा, वैसे भी नींद नहीं आ रही है, सुबह सोएंगे अपन। The next day. So, good morning everyone. अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और देखिए मस्त यहाँ पर अभी सुबह हो रही है। सुबह सुबह ऐसे करके बाहर बैठ के थोड़ा सा व्यू का मजा ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल की रात तो हमारा बहुत ही ख़राब गया। पैर पे देखिए यहाँ पर लगा है और इधर भी थोड़ा सा अंदरूनी मार लगाई है, ये यहाँ पे इतना गोल। तो आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही कि मैं कैसे गिरा व्लॉग बनाते बनाते, जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट किया वैसे ही फिसलते हुए गिर गया। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जा रहा था ड्यूटी में, ड्यूटी में जाते जाते ये वाला इंसिडेंट हुआ थोड़ा सा ही। मैं रहता हूँ नागपुर में और जॉब करता हूँ प्लस व्लॉगिंग करता हूँ, डेली व्लॉग्स बनाता हूँ और डेली जॉब भी जाता हूँ। काफ़ी मेहनत चालू है, हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है व्लॉग्स बनाना। और गाइस ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जिस दिन हम व्लॉग अपलोड नहीं करते हैं यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे आप लोग चेक कर सकते हो, रोज़ मैं अपडेट देते रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। एक्साइटिंग व्लॉग्स मैं बहुत सारी बनाना चाहता हूँ और मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाऊँ, और मैं बना भी सकता हूँ गाइस। मुझे सब कुछ पता है कि करना क्या क्या है, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, फिर देखना कि आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। और देखिए गाइस अभी तो और ज़्यादा सुबह हो गई है धीरे धीरे, और यहाँ पर है हमारा रूम, यहाँ पर हम रूम लेके रहते हैं रेंट से। अभी देखिए कुछ ज़्यादा ही उजाला हो गया है बात करते करते आप लोगों से। एक्चुअली मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, इसलिए मैं आज पूरी रात सोया नहीं। आज ड्यूटी में नहीं गया ना, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोया। अगर मैं आज रात सो जाता था तो दिन में मुझे नींद नहीं आती थी, दिन में अगर नींद नहीं आती थी तो फिर मुझे रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था ड्यूटी करने में, इसलिए मैं आज की रात सोया ही नहीं। बस एक मिनट पहले गाइज मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला तो तब थोड़ा सा अंधेरा था, लेकिन अभी देखिए कितना उजाला हो गया है सिर्फ एक मिनट के अंदर। फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है ये देखिए, और अभी सुबह के 7 बज रहे। तो ठीक है गाइस, अभी मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा और अभी मस्त सो जाऊँगा, जल्दी सो के जल्दी उड़ जाऊँगा, मस्त नींद लूँगा 5-6-7 घंटे का। तो ठीक है गाइस, नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।